इलेक्ट्रिक कॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसफार्मर एवं उसके संरचना के बारे में। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस मतलब होता है ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति जिसमें कोई मोशन ना हो। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा है कि मोटर है, जनरेटर है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं या शाफ्ट घूमता है, आर्मेचर घूमता है, वहाँ मोशन होता है, मूवमेंट होता है पार्ट का। लेकिन ट्रांसफार्मर ऐसा युक्ति है जिसमें कोई भी मूवमेंट करने वाला पार्ट नहीं होता है, हलचल वाला पार्ट नहीं होता है, हिलने डुलने वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है स्टैटिक डिवाइस, स्थिर रहता है, कोई पार्ट नहीं हिलता है डुलता है और स्थिर होकर ये अपना काम करता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मैग्नेटिकली ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है, जो आपका पावर ट्रांसफ़र कर रहा है एक पथ से दूसरे पथ में मैग्नेटिकली, जैसे कि पहला पथ ये हो गया और दूसरा पथ हो गया ये, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो मैग्नेटिक पाथ के थ्रू दूसरे पथ में ट्रांसफ़र हो रहा है मैग्नेटिकल लाइन के द्वारा, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि वोल्टेज एवं करेंट का जो रेशियो होता है उसको बदलने का काम होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं P=VI होता है, VI अगर पावर फैक्टर 1 है तो VI cos थीटा होता है, P=VI cos φ होता है। और हम मान के चलते पावर फैक्टर 1 है तो V×I मतलब करेंट और वोल्टेज का ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पावर अगर हम लोग लेते हैं 6 है और इसको हम लोग मानते हैं V×I है, तो अगर हम 3 और 2 लेते हैं मतलब वोल्टेज 3 लेते हैं और करेंट 2 लेते हैं तब भी 6 ही आएगा। और इसी रेशियो को अगर ट्रांसफार्मर के द्वारा बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। पावर जो है आपका नहीं बदलेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपका जो वोल्टेज और करेंट का रेशियो बदल जाता है। जैसे कि अगर यहाँ VI होता है तो हो सकता है यहाँ पे वोल्टेज अब 3:2 हो जाए और करेंट 3 हो जाए। तो इस तरह से जो रेशियो है आपका वो बदलने का काम क्या करेगा, ट्रांसफार्मर करेगा। पावर बढ़ाने का घटाने का काम ये नहीं करता है, ठीक है। घटाने का काम से अर्थ है कि आपका हो सकता है कि आपके प्राइमरी साइड में जो पावर है वो सेकेंडरी साइड में 100% ना मिले, कुछ जो है हानि हो जाती है, सभी मशीनों में हानि होती है। उसी प्रकार ट्रांसफार्मर में भी जो पावर जो है एक पथ से दूसरे पथ में जाएगा तो कुछ हानियां हो सकती हैं, 10% 20% तक की हानि हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन आपका पावर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, मैग्नेटिकली होगा एक पथ से दूसरे पथ में। और उसमें क्या होगा, आपका इसी प्रकार से करेंट और वोल्टेज का रेशियो चेंज हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन किया गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ये DC पे काम नहीं करेगा। DC पे क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि जो आपका ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है उसके अंतर्गत। तो इसमें देखते हैं जब सप्लाई हम लोग पहले पथ में देते हैं वेरिएबल सप्लाई, चाहे वो अल्टरनेटिंग सप्लाई दें, AC सप्लाई दें, चाहे स्क्वायर वेव फॉर्म का सप्लाई दें, जब सप्लाई इसमें देते हैं तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल करंट प्रभावित होगा। वेरिएबल करंट प्रभावित होने पे आपका इस करंट के द्वारा वेरिएबल मैग्नेटिक लाइन का निर्माण होगा जो आपको इसके ट्रांसफार्मर के कोर में
कोड से होते हुए आपको दूसरे पाथ पे जाएगी और जाकर वो मैग्नेटिक लाइन जो वेरिएबल है दूसरे पाथ के जो वाइंडिंग है ये वाले वाइंडिंग में जाके क्या करेगी, उस वाइंडिंग को छेड़ेगी, डिस्टर्ब करेगी, झंझोरेगी, जिसके कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। इसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब ईएमएफ उत्पन्न होगा, उत्पन्न परिपथ दिया जाएगा तो करंट बहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो एक पथ से दूसरे पथ में जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर हो रहा है उस किसके द्वारा, फैराडेस के म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत के आधार पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ईएमएफ यहाँ उत्पन्न हो रहा है। ट्रांसफार्मर में और अल्टरनेटर में बस दोनों एक ही नियम पे काम करते हैं, बस अंतर ये हो जाता है कि अल्टरनेटर में या जनरेटर में कंडक्टर के द्वारा फ्लक्स को डिस्टर्ब किया जाता है, कंडक्टर के द्वारा फ्लक्स को छेड़ा जाता है, परंतु यहाँ पे जस्ट उसके उल्टा है, यहाँ फ्लक्स के द्वारा कंडक्टर को छेड़ा जा रहा है, ठीक है, कंडक्टर को छेड़ा जाता है। तो यही बस अंतर है, लेकिन प्रिंसिपल दोनों का एक ही है। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिक पावर एक पाथ से दूसरे पाथ में, ठीक है, ठीक है। अब इसमें होता है क्या कि इसमें दो सेक्शन मान के चला जाता है ट्रांसफार्मर में। पहला जिसमें जिस पथ में मतलब कि ट्रांसफार्मर के जो दो पथ मिलेंगे, एक प्राइमरी सेक्शन कहलाता है। प्राइमरी सेक्शन क्या हुआ कि आपका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग में जिस वाइंडिंग में आप सप्लाई इन दे रहे हो, इनपुट कर रहे हो, वो आपका प्राइमरी सेक्शन कहलाएगा। और जहाँ जिस वाइंडिंग में जिस सेक्शन में आप लोड कनेक्ट कर रहे हो वो सेकेंडरी कहलाएगा, ठीक है। तो यह समझ के रखिए, जहाँ पे सप्लाई देंगे वो प्राइमरी कहलाएगा, जहाँ लोड कनेक्टेड होगा वो सेकेंडरी कहलाएगा, ठीक है। तो यही होता है। अब ये डीसी पे काम नहीं करता है। डीसी पे काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको चाहिए वेरिएबल, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन कब काम करेगा, जब आपका फ्लक्स जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो, मतलब फ्लक्स डिस्टर्ब करे आपके वाइंडिंग को, और फ्लक्स जो है फ्लक्चुएटिंग होने का अर्थ होता है कहीं ना कहीं उसमें फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी जो है डीसी में हम जानते हैं कहीं तो प्योर डीसी में जीरो हो जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको फ्रीक्वेंसी जो होता है डीसी में जीरो होती है या कम होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर प्योर डीसी सप्लाई देंगे तो ये तुरंत जल जाएगा, बहुत जल्दी जलेगा, क्योंकि वहाँ पे करंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, क्योंकि एक्सल डाउन हो जाएगा तो आईएल बढ़ जाएगा, और आईएल बढ़ेगा तो भाई ज़्यादा करंट बढ़ेगा तो ये वाइंडिंग जल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डीसी पे ट्रांसफार्मर को नहीं यूज किया जा सकता, इसलिए इसका उपयोग हम लोग एसी पे या अन स्क्वायर वेव फॉर्म जिसमें फ्रीक्वेंसी हो अच्छी मात्रा में
वहाँ यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग पास 50 हर्ज सप्लाई में फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। अब इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, तो नॉर्मल एक ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत होता है। हमको एक बोबिन का जरूरत पड़ेगा। बोबिन क्या है? एक खोखलाकार संरचना है जिसके ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक बोबिन है, ट्रांसफार्मर का बोबिन है, ये पीवीसी का बना हुआ है, पीसीबी बोर्ड का बना हुआ है, पीसीबी बोर्ड का जो आपका होता है उसका बना हुआ है, और इसके चारों बगल हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। इसके चारों बगल हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के तार से एनिमल्ड वायर इसको कहते हैं, और अन्य प्रकार के भी वायर होते हैं, लेकिन इस एनिमल्ड वायर जो है इसके द्वारा हम इसके चारों बगल लपेटते हैं, ठीक है। लपेटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको सिलिकॉन लेमिनेटेड पत्तियों को इसके बीच में लगा के इसको ट्रांसफार्मर का शेप दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसे कोर कहते हैं, और ये कोर जो होता है विभिन्न प्रकार के शेपों में होते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह के संरचना का ट्रांसफार्मर बनाना है, लेकिन कोर यूज होंगे। ये सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील कोर होते हैं जिसमें ये चमक देख रहे हैं, ये वार्निश कोटिंग किया होता रहता है। इस तरह के बहुत सारे पत्तियों को एक साथ मिलाकर मोटा स्वरूप दे दिया जाता है, ठीक है, तब जाके कंप्लीट आपका एक ट्रांसफार्मर बन पाता है। तो हमको चाहिए बोबिन चाहिए, बोबिन के ऊपर वाइंडिंग चाहिए, और उसके बाद कोर को असेंबल्ड करके ट्रांसफार्मर का शेप दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। सिलिकॉन लिमिटेड स्टील कोर है, बोबिन है, और एनिमल वायर है, ठीक है। ये मुख्य रूप से ये तीन चीज़ तो चाहिए कम से कम ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। बाकी अपना लेदराइज पेपर, इंसुलेट स्लीव, ये सब तो अन्य चीज़ हैं, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये कोर हो गया, ये एनिमल्ड वायर हो गया, एनिमल्ड वायर हो गया, और ये बोबिन हो गया, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो केवीए में होता है, किलो वोल्ट एम्पियर में। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, पावर ट्रांसफर करता है एक पाथ से दूसरे पाथ में, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग जो होता है पावर में जो फैक्टर होते हैं, वोल्टेज और करंट, उन दोनों के रेशियो को हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। और इन ट्रांसफार्मर का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपको देखने को मिलेगा। आपके सड़क किनारे देखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, बड़े बड़े ग्रिड में आप देखेंगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो वहाँ पे इनका उपयोग कहीं वोल्टेज को बढ़ाने में और कहीं वोल्टेज को घटाने में किया जाता है। ये समझिएगा, जहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है वहाँ करंट घटेगा, जहाँ करंट घट रहा है वहाँ वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन होता है, नॉर्मल तौर पे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि एक सिंपल एक ट्रांसफार्मर बस बनाना है तो क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक ट्रांसफार्मर क्या होता है। आगे हम लोग उसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी तक के लिए इतना ही।
आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।